अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिंकू सिंह बैटिंग का है शहंशाह और उसने दिखाया है अपना जनून। इंडिया की तरफ से है वो एक सितारों का खजाना। स्टेडियम की हवा में घुल रही है रिंकू सिंह की बैटिंग की मिसाल और इंडिया की तरफ से क्रिकेट की दुनिया का कहानी का पहला जुमला। इंडिया की इस हार पर और साउथ अफ्रीका की इस जीत पर हम ये कह सकते हैं, घर के शेर जब जंगल में जाते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। साउथ अफ्रीका की जीत ने सबको सिखा दिया। साउथ अफ्रीका वाले कह रहे हैं, पिच बदलने का वक्त नहीं, हमेशा जीतना सीखो, क्योंकि घर के शेर बाहर ढेर। साउथ अफ्रीका का संदेश है क्लियर, ये हमारा घर है, यहाँ पर जीतना आसान नहीं। ये कोई आपका म्यूजियम नहीं, यहाँ पर असली जंगल है और हम इस जीत को हमेशा बरकरार रखेंगे। ये हमारा घर है, यहाँ पर म्यूजियम वाला रूल नहीं चलेगा। कभी टॉस दूर फेंक दो, कभी पिच बदल लो, ये हमारा असली जंगल है, ये यहाँ पर हम शेर हैं और हम ही यहाँ पर राज करेंगे। ये कोई पेटीएम ट्रॉफी नहीं, ये साउथ अफ्रीका का घर है, यहाँ पर आकर जीतना आसान बात नहीं, ये असली जंगल है, यहाँ पर वही सर्वाइव करेगा जो असली टाइगर होगा। इंडिया की तरफ से पुअर कैप्टेंसी और इंडिया से ये मैच कैप्टेंसी की वजह से दूर गया है और इस अपॉर्चुनिटी का क्या खूब इस्तेमाल किया साउथ अफ्रीका ने। एक छोटी गलती जीत से आपको कितना दूर ले जाती है। वहां पर जडेजा का ओवर देना बनता ही नहीं था, जब आपके पास फास्ट गन है उसका इस्तेमाल करो। टेकिंग द नेम ऑफ रिंकू सिंह इज नाउ इन अ क्रिकेट डिक्शनरी फॉर इंडिया, ही इज अ क्रिकेट मास्टर प्राइज। चलिए दोस्तों, देखते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के क्या स्टैट्स हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका ये मैच 5 विकेटों से जीत गया। मैन ऑफ द मैच बने तबरेज शमसी। इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह ने क्या कमाल की बैटिंग की, 68 रन बनाए जस्ट 39 गेंदों पर, 9 चौके 2 छक्कों की मदद से। सूर्य कुमार यादव ने 56 रन बनाए जस्ट 36 गेंदों पर, 5 चौके 3 छक्कों की मदद से। दोस्तों, इस मैच के एनालिसिस पर आपका क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लक्षित जी को घमंड है कि हम बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी, इतने प्लेयर, इतना बड़ा पूल, क्या मतलब, वाओ, क्या बट एनी प्लेयर्स लुकिंग लाइक अ वाओ, व्हाट इज दिस, हाउ, व्हाट एलिगेंट परफॉर्मेंस, लुकिंग लाइक अ वाओ।